एवरीवन, मैं हूं पल्लवी गुप्ता और आज मैं बनाने जा रही हूं अपना पहला ब्लॉग। जी हाँ, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं बहुत टाइम से सोच तो रही थी अपना ब्लॉग बनाने के लिए, बट कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ, कभी सोचती थी इस ओकेजन पे बनाऊंगी, कभी उस ओकेजन पे, पर कभी हो ही नहीं पाता। बट आज बहुत ही खास ओकेजन है जिस पर मैं व्लॉग बनाने जा रही हूँ, और वो क्या खास ओकेजन है वो मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। क्या खास ओकेजन है मैं आपको जरूर बताऊंगी थोड़ी देर में, बिल्कुल बताऊंगी। बट उससे पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया होगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करिए। व्लॉग बनाने का मेरा खास ओकेजन ये है कि आज मेरी दादी सास का बर्थडे है। हाँ जी, उनका बर्थडे है, और उनका बर्थडे कुछ ऐसा वैसा नहीं है, बहुत स्पेशल है आज का दिन, क्योंकि उनकी एज आज जो होने वाली है बहुत ही स्पेशल है। तो आप सब गेस करके बताइए क्या उनकी एज होगी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। बस हम चलते हैं बर्थडे की तैयारी, उनको हम सरप्राइज देने वाले हैं। हमने दादी को सास को कुछ भी नहीं बताया है। हो रही है डेकोरेशन, आप देख सकते हैं सब लोग कर रहे हैं, पापा बेटे बैलून्स लाइव। और ये है डेकोरेशन, हमने सिंपल सी थोड़ी सी करी है डेकोरेशन बच्चों ने मिलके। और एक चीज और ट्विस्ट है हमारे उसमें, केक में हमने दादी के लिए नॉर्मल केक तो मंगवाया ही मंगवाया, बट एक केक और स्पेशल मंगवाया है वो, क्योंकि नॉर्मल केक नहीं खाती जैसे हम लोग खाते हैं ब्रेड वाला, वो दूसरा केक खाती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा केक हो सकता है। Let it hang, hang. Let it hang. दादी ने केक काट लिया है और बहुत अच्छा लगा उन्हें सरप्राइज, वो इमोशनल भी हो गई थी, आपने देखा होगा वो कितनी इमोशनल हो गई थी। उनका 90th बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, और केक आपने देखा होगा कौन सा केक काटा है, तो कौन सा था फाइनली, मिल्क केक था, क्योंकि वो नॉर्मल केक नहीं खाती है, मिल्क केक ऐसा एक मिठाई है, उसे केक के फॉर्म हमने कराया था। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और बेल आइकन नीचे दे रखा है उसे सब्सक्राइब करिएगा। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।